हेलो स्टूडेंट्स, तो 5 सेकंड क्वेश्चन चैलेंज चल रहा है ना। मैं मतलब लगभग कोशिश करता हूँ कि पर डे एक क्वेश्चन मैं अपलोड करूँ और उसका शॉर्टकट ट्रिक्स बताता हूँ आप लोग को, है ना। तो आई थिंक उसको आप लोग इन्जॉय कर रहे होंगे, ठीक है। तो एक इन्फॉर्मेशन और देना चाहता हूँ आप लोग को कि मेरी डेली क्लास जो है 7 बजे यूट्यूब में ही चलती है। शाम को 7 बजे डेली चलती है, मंडे टू सैटरडे। संडे को नहीं रहता है, मंडे टू सैटरडे डेली क्लास 7 बजे लाइव होता है, जिसमें मैं थ्योरी पूरा डिटेल फॉर्म बताता हूँ आपको, जो भी गेट का सिलेबस है, और क्वेश्चन भी डिस्कस करता हूँ उसमें। तो कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन दोनों डिटेल फॉर्म में डिस्कस किया जाता है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं। यहाँ पे बोर्ड पे आपको क्वेश्चंस दिख रहा होगा, 4x4 ऑर्डर का है कि नहीं। अगर इसका आपको पूछे डिटरमिनेंट निकालने, ठीक है, अगर इसका आप डिटरमिनेंट निकालोगे तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा इसका। जैसे कि मैं इसमें आपको कॉलम ऑपरेशन लगाना पड़ेगा या कुछ भी लगाइए आप, ठीक है ना। ऐसे ऑपरेशन लगाने के बाद क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे। ये आपका कन्वर्ट होगा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में, इसको कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद इसका डिटरमिनेंट निकलेगा, ठीक है। तो मैं बताना चाहता हूं बस इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, सिंपली बता रहा हूं आपको। अगर ऐसा क्वेश्चन आपको दिखे इस टाइप का, देखिए 1 + a a a b, इस टाइप का अगर दिखे, डायरेक्टली इसका डिटरमिनेंट आप देख के क्या लिखेंगे, 1 + यहां पे देखिए क्या है, a b c d, है ना। तो यहां पे लिखेगा a + b + c + d, यही इसका डायरेक्ट डिटरमिनेंट आएगा आपका। क्या बोला मैं, a b c d, है ना। तो यहां पे इसलिए a + b + c + d 1 एक एक्स्ट्रा आपको ऐड करना है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, आप लोग डायरेक्ट इसका निकाल सकते हैं, या अगर आप उसको नॉर्मली सॉल्व करोगे कॉलम ऑपरेशन या रो ऑपरेशन लगा करके और उसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करोगे तो फाइनली आंसर इतना ही आएगा। तो अगर इसको अगर आप ऑब्जर्व कर लो एग्जाम में तो आपका टाइम बचेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर देखिए, यहां पे ये आपका 5x5 ऑर्डर का है। यहां पे देखिए 1 + a, सेम फॉर्मेट दिख रहा है आपका, है कि नहीं। देखिए a a a b b b, इस तरह से डायरेक्ट इसका आंसर आप क्या लिखोगे, 1 + a + b + c + d + e, ठीक है। तो जैसे जैसे ऑर्डर बढ़ते जाएगा आपके यहां पे बस अल्फाबेट्स ऐड होते जाएंगे एक्स्ट्रा, ठीक है, यही इसका आंसर होगा। अगर आपको यकीन नहीं आता है तो आप नॉर्मल चेक कर लो, सॉल्व कर देखना, यही आंसर आपको मिलेगा, ठीक है, क्लियर यहां तक। और इसको तो ये जो मेथड है आपका, ये वैलिड किसके लिए होता है, 3x3 मैट्रिक्स के लिए वैलिड है, ठीक है, 4x4 के लिए वैलिड है, 5x5 के लिए वैलिड है, मतलब 3x3 के बाद जितना भी आगे बढ़ेंगे सबके लिए वैलिड है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये शॉर्टकट आप लोगों को आई थिंक एग्जाम में टाइम बचाएगा आपका। अब यहां पर अगर ए स्क्वायर हो, बी स्क्वायर हो, सी स्क्वायर हो, यहां भी ए स्क्वायर स्क्वायर ऐसे लगा हुआ है, a² a² लगा होगा इस तरीके से, तब भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो, तब भी डायरेक्ट उसका आंसर आप लिख सकते हो। यहां पे स्क्वायर लगा दिए सब में, तब भी इसका आंसर क्या होगा, 1 + a² + b² + c² + d² + e² इस तरीके से बनेगा, तब भी आंसर e² आ जाएगा बस। तो ये सब ध्यान रखिएगा आप लोग, आपको इस स्टेप का अगर क्वेश्चन आया तो आप इसको इजिली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अच्छा लगे तो आप लोग लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए, और कुछ कमेंट भी कर सकते हैं अगर अच्छा लगे तो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं और भी कुछ क्वेश्चंस लेकर के आऊंगा, ठीक है। थैंक यू।